वो नीस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे। ए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुज़ूर है, और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ, लेकिन तू ऐ खुदावंद अबद तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सय्यून पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं, और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा। क्योंकि खुदावंद ने सय्यून को बनाया है, वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर न जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा, और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मक्तिस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से जमीन पर नजर की ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सय्यून में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और ममलिकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है, वो नीस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे। पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे, तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। आमीन।